संतोषी माँ की महिमा अपार है। हर भक्त ने उनकी महिमा का गुणगान अपने अपने ढंग से किया है। इस चित्र की कथा भी कुछ धार्मिक पुस्तकों और लोक कथाओं के आधार पर है। आशा है आप इसे सच्ची भावना से स्वीकार करेंगे। जय संतोषी माँ। मनसा, राखी का त्योहार भी कितने आनंद का त्योहार होता है। बुआजी बुआजी, हमारे हाथ में राखी बांध दीजिए ना। बेटा, राखी तो बहन बांधती है। क्या तुम नहीं बांधोगी? नहीं बेटा। पिताजी पिताजी, हमें भी बहन ला दो ना। पिताजी हमें बहन ला दो ना। पिताजी हमें बहन चाहिए। हम भी हमारी बहन से राखी बंधवाएंगे। पिताजी हमें बहन ला दो ना। नारायण नारायण। सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले गणेश जी, अब बच्चों की इच्छा भी पूरी कर दीजिए। देवर्षि। नारायण नारायण। जिनके पिता जगत पूज्य गणेश हों, माताएं रिद्धि सिद्धि हों, उनके बालक निराश रहें। नारायण नारायण। मुनिवर ठीक ही कहते हैं भैया। नारायण नारायण। शिवनंदन, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिसे सब नमस्कार करें, सब जय जयकार करें। स्वामी, बच्चों की इच्छा पूरी कर दीजिए ना। प्रभु, इनका मन रख लीजिए ना।
हमारी बेटी। हाय मेरी रानी। बेटा ये तुम्हारी बहन है, बेटी इनको राखी बांध दो। श्री गणेश की ये मानस कन्या सदा सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी, संतोष की गंगा बहाएगी और संतोषी माता के नाम से सारे संसार का कल्याण करेगी। लो
चरणों में चढ़ गए फूल। माता ने इतनी जल्दी सुन ली, लगता है सीता को राम मिल गए। देवियों तुम्हें भी मिल सकते हैं। कैसे? इस महापुरुष के चरणों में फूल डाल के। शक्ल देखिए बड़ा आया फूल चढ़ाने वाला। अब घर भी चलना है या नहीं? कहाँ खो गए भैया? चलो हमें भी देरी हो गई है। अरे चलो ना भाई। चलो सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मनोकामना तुम्हारी। बेटी। क्या पिताजी? आज तो बहुत प्रसन्न है, क्या कोई अनमोल चीज मिल गई है? अनमोल? बड़ी अनमोल। क्या जरा हम भी तो देखें। वो दिखाई नहीं जाती। तो फिर बताई जाती है? बताई भी नहीं जाती। तुझसे तो पार पाना बहुत मुश्किल है बेटी। क्यों? तू अनोखी जो है। मुन्ना राम। देखो देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये लो, ये तुम लो। बिरजू भैया। राम राम भैया। आ गया बेटा। अरे वाह वाह वाह, भाइयों का प्यार हो तो ऐसा ही हो। और माँ तुम्हारा प्यार भी तो कुछ कम नहीं। तुम यशोदा मैया और दया के अवतार बलराम समान मेरे बड़े भैया दयाराम, और तू ब्रिज के कन्हैया की तरह मुरली बजैया ब्रिजराम। माँ अगर ये ब्रिज राम है तो मैं तुम्हारा भैरो राम। न छोटा राम न मोटा राम, मेरा नाम तो है लोटा राम। पागल है, पागल। आओ भैया। और मेरा नाम है आया राम। अच्छा। ये है आया राम और मैं गया राम। कबड्डी 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 कबड्डी। और मैं हूँ कबड्डी राम। कबड्डी कबड्डी राम। मेरे सात बेटे हैं एक से एक बढ़कर, और छह बहुएं चंपा माया दुर्गा एक से एक सुंदर। हाँ माँ पूरी भाभी सेना, लेकिन अधूरी। तेरा ब्याह होने के बाद ये सेना पूरी हो जाएगी। हो गया इसका ब्याह, ऐसे निकट को कौन लड़की देगा? काम का ना काश का, ढाई से अनाज का। फिर तुमने रोज की महाभारत शुरू कर दी। ये ठीक ही तो कहती है भैया, दुर्जू इतना बड़ा हो गया है लेकिन निकट्ठू का निकट्ठू रहा, हर समय गांव के आवारा लड़कों के साथ मस्ती करता फिरता है। भैया ये मस्ती करने की उम्र है इसकी, और हम इतने भाई कमाते हैं तो फिर इसको कमाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ क्या जरूरत है, तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने तो सर पर चढ़ा रखा है। दुर्गा क्यों बिगड़ते हो भैया, ये भाभी का गुस्सा नहीं प्रेम है। वही के नहीं नहीं माँ ये मुझसे नहीं होगा। फिर क्या करेगा? माँ मेरा जीवन तो कुछ अनोखा होगा, निराला होगा। तू मेरी नहीं मानेगा, मैं जाके अभी दया से कहती हूँ ना। अरे सुन सुन। अरे चलो ना। भैया मुझे तो उसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। मैं कहती हूँ कोई अच्छे से घर की लड़की देखकर उसके पाँव में रस्सी क्यों नहीं बांध देता। माँ मैंने उसके पाँव में रस्सी तो क्या जंजीर बांधने का इंतजाम कर दिया है। वो कैसे? वो अपने पुरोहित जी है ना शंकर जी, उन्होंने ये शुभ कार्य शुरू कर दिया है। ऐसी सुंदर कन्या ढूंढ के ले आएंगे कि उसके चरण पड़ते ही सारा घर जगमगा उठेगा। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है। पिताजी क्या ये सच है? हाँ बेटा, लेकिन
ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे बेटी, तुम जरूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। क्या अपने पिता को तुम अपने मन का भेद नहीं बताओगे? भेद? बेटी, जब तुमने किसी के प्रति श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाया हो तो मुझे बता दो। बिरजू, आप तो फिर डर जाओ। माँ, हाँ, ये तो बता, सब सो गए? कुछ सो गए हैं, कुछ जाग रहे हैं। बिरजू, 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 सोते जागते उठते बैठते जगते को तो बिरजू। भगवान, भाई से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज होती है? और फिर बिरजू जैसा भाई तो लाखों में एक होता है। आधी रात हो गई, अब तक उसका पता नहीं। लाखों में एक होने का यही तो लक्षण है। जरूर कहीं गा बजा रहा होगा। मैं कहती हूँ, तुम्हें हो क्या गया है? शादी ब्याह से पहले उसके काम काज की कोई फिक्र करो। तुम क्यों फिक्र में घुली जा रही हो बिरजू? भैया, राम राम भैया। जियो, हजार बरस जियो। भाभी, तुम भी हजार बरस जियो, मानो या ना मानो। इस घर में एक महान भाभी तो तुम ही हो, जो भैया की सेवा कर रही हो। बाकी सब भगवान भला करे मेरे भाइयों का। भैया, एक बात पूछो। एक नहीं, दो पूछो। मेरे आने का पता तुम्हें कैसे चल जाता है? तेरे आते ही सारा वातावरण महक उठता है। इस घर का आंगन खुशी से नाचने लगता है। पवन का झोंका मुझसे कह जाता है, बिरजू आया, बिरजू आया। अरे, ये तो वही है, सत्तों के राम। राम बेटा, क्षमा कीजिए पंडित जी, मुझे आने में जरा देर होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोनपुर निवासी तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। बेटा, आज हम सबको माता संतोषी का कोई ऐसा भजन सुना दो जिसे सुनकर सब मोहित हो जाए। जैसी माँ की इच्छा। वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी, थल में भी, चल में अचल में भी, अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। चमत्कारिणी ये अपनी माई, ये अपनी माई, ये अपनी माई। राई को पर्वत कर सकती, पर्वत को राई, पर्वत को राई, पर्वत को राई। द्वार खुला, दरबार खुला है, कमी नहीं आई, दया की कमी नहीं आई। पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे, पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे, तुरंत कमाल करे माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
जहाँ वहाँ जहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोगों कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति, सुख संपत्ति की दाता ये माँ क्या नहीं कर सकती, माँ ये क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली। देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली। और भक्तों ये माता है सबकी हम जोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा भर लो रे झोली, सुनो रे भाई भर लो रे झोली। उज्जवल उज्जवल हो निर्मल निर्मल, उज्जवल उज्जवल निर्मल निर्मल, सुंदर सुंदर माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। तुमने अपनी अमृत बाणी से समस्त सोनपुर वालों का मन जीत लिया। सचमुच जीत लिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। संतोषी माँ तुझे लंबी उम्र दे बेटा। अरे अब चल भी, जब सब चले जाएंगे तो क्या दीवारों को बधाई देगी। चल उठ उठ। आपका वजन सुनकर बड़ा आनंद आया। सब माँ की कृपा है। जीते रहो बेटा। सुनिए हाँ। हमारी सहेली आपको बधाई देना चाहती है। बधाई? हाँ बधाई, बोल बोल बोल। माँ का भजन आपने बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर था। एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालती है तुझे। शांतानी मैं कौन हूँ? कुत्ते की औलाद कहीं तो जा। अरे भैया ये तो डाकुओं की औलाद है। पकड़ लो इस दफा इन काले कुत्तों को। अरे
मान माथे मान जय संतोषी माता की। अरे आपके तो खून निकल आए। कुछ नहीं है। पिताजी। बेटी आ गई। बेटी मैं तो तेरे लिए चिंता कर रहा था। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कौन है? पिताजी जिन्होंने माता संतोषी का गुण गाकर सबका मन मोह लिया था। और पिताजी आज उस नीच बांके से इन्होंने मेरी रक्षा भी की। बांके से तुम्हारी रक्षा की? हाँ पिताजी, उस नीच ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने अपनी जान पर खेल कर मेरी रक्षा की। धन्य हो बेटा, शक्ति और भक्ति का ऐसा संगम मैंने कहीं नहीं देखा। लगता है झगड़े में तुम्हें कुछ चोट भी लग गई है। थोड़ी देर विश्राम कर लो फिर चले जाना। ऐसी कोई बात नहीं है। संकोच न करो बेटा, आओ मेरे साथ आओ। आओ। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? ब्रिजम। और मेरा नाम तोताराम। बेटा तुम्हारा गांव कौन सा है? मीरपुर। मीरपुर? तब तो पास ही के हो। हाँ बिल्कुल पास, आप आवाज लगाओ और हम सुन ले। लो बेटा खाओ। खाओ ना भैया, शर्मा दे गई अपने घर। देखिए बुरा मत मानो, ये बहुत बोलता है। लो बेटा तुम भी खाओ। जी परिवार में और कौन कौन है? जी माँ है, छह भाई है और छह भाभियाँ हैं। और एक भाभी और शामिल होने वाली है। बहुत भाग्यशाली हो बेटा जो भगवान ने इतना बड़ा परिवार दिया। अच्छा तो आप आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटी बाहर बहुत अंधेरा है, तुम इन्हें द्वार तक छोड़ो। अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। बेटी। पिताजी वे वही थे जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। तूने सचमुच हीरा चुना है बेटी। पिताजी आज तक तो गाना बजाना करता था, अब तो खून भी बहाने लगा, न जाने आगे जाके क्या क्या करेगा। अरे बहू जरा चुप रहो। बेटा ये तो बता ये लाठी क्यों चली? एक लड़की को बचाने में। लड़की? हाँ। कौन लड़की, क्या नाम है उसका? सत्यवती। तो आपको ये संबंध स्वीकार है? आप मेरी बेटी सत्यवती को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं भगत जी। जब लड़की और लड़की का मन मिल गया है तो दोनों का हाथ मिलाने में देर क्यों? हाँ, हाँ, सब काम में देरी कैसी? ये भी ना कुछ बात चट मंगनी और पट गया। तो क्यों कहा जी? आज से पति के घर को ही अपना घर समझना। सीता और सावित्री के पथ पर चलकर अपने कुल की लाज निभाना। मां संतोषी तुम्हारी रक्षा करे। Thank you.
अरे बहू तो बहुत सुंदर है। बिल्कुल चांद है चांद। अरे मेरे बिरजू की पसंद कोई ऐसा वैसा थोड़े ही है। अरे बहू तू जरा सरस्वती को संभाल ले, मैं कुछ काम करके आती हूँ। संभाल ले, कोई बच्ची थोड़ी है, नहीं तो क्या। अरे माया कुछ देखा क्या? इसके कान में मेरा झुमका कैसा चमक रहा है। हाँ मेरा गुलीबन तो देख कितना दमक रहा है। अरे दया राम मेरे तो भाग खुल गए बेटा। कैसी अच्छी चांदी बहू लाया है तू, गांव की सारी औरतें देख देख मोहित हो गई। माँ इस गांव की तो क्या, सोनपुर में भी सब सत्यवती के गुणगान गा रहे हैं। माँ जी आ रही हूँ। सत्यवती को बिरजू के कमरे में छोड़ आ जा। अच्छा चलो उठो महारानी, उठो उठो। अरे संभाल के जरा धीरे धीरे, कहीं कमर में लचक ना आ जाए, कहीं पैर में मोच ना आ जाए। आओ आए हाय, हम भी कभी दुल्हन बनी थी। हाँ पर तेरी तरह मटक मटक कर नहीं चलती थी। ओ सोनपुर वाली देख ले, हमने तेरे फेस सजाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। हाँ इस पलंग पर बिजू के साथ बैठते सर जाएगी तू। अच्छा अब दफा हो, चलते हैं। हाँ मेरे झुमके, हाँ मेरे गुलीबन। अरे देवर जी। भाभी आए हाय, दुल्हन से मिलने के लिए बड़े बेसब्री हो रहे हो। भाभी है सबर कहाँ। जाओ देवर जी, सत्यवती आंखें बिछाई तुम्हारी बात देख रही है, जल्दी जाना जा रहा है। सत्यवती ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो ये तो खुशी के आंसू है। अरे गहने क्यों चाहती है? चुपते थे। बड़ी समझदार हो तू, जरूर चुपते होंगे। कहां तुम्हारा फूल सा बदन और कहां ये जेवर, फिर सिंगार को सिंगार की क्या आवश्यकता है। वो हमारा पहला मिलन था और आज मधुर मिलन है, दो प्रेमियों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन। आओ इस मिलन में हम सदा के लिए खो जाए। हो गया बेड़ा पार। अभी हमारा बेड़ा मझधार में डूबने वाला नहीं, पार हो की रहेगा। मेरी भाभियां भी खूब है। अरे तुम उदास क्यों हो गई? पलंग ही तो टूटा है, दिल तो नहीं टूटा। भैया तैयार? हाँ बिल्कुल, चलो खेत पर। चलो भैया, चलो भैया लोटा ये जरा रख दे। कबड्डी 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 चलो खाना ले आप लोग। दयाराम बेटा आज से बिरजू को भी अपने साथ खेत पर ले जाए। क्यों ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? मुसीबत नहीं बेटा, जिम्मेदारी है। कल बिरजू अकेला था, आज उसकी शादी हो गई, कल उसके बच्चे भी तो होंगे। माँ ठीक ही तो कहती है। ठीक है। हाँ बिरजू आया। भैया आपने मुझे बुलाया? देखो माँ की आज्ञा है कि आज से तुम हमारे साथ खेत पर चलोगे। हाँ बेटा खेत पर। हाँ हाँ हमारे साथ खेत पर चलो। तो क्या सारी उम्र बंसी बजाते रहोगे? तू चुप। चलो चलो, माँ की आज्ञा तो पालन करनी ही पड़ेगी। ठीक है। उधर
इधर नहीं, इधर चलो। अरे चलता हूँ। अरे वो तुलसीदास की रत्नावली क्या देख रही है? अरे निगोड़ी बिरजू को नहीं चक्की को देख, चक्की को, किसी से पेट भरने वाला है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, अब ज्यादा ज्यादा मत करो ठीक है, आगे आगे लेते जाओ। भैया काम बराबर हो रहा है ना? अरे बिरजू चलो घर कर क्यों करता भैया? अरे भाई झगड़ा मत करो दोनों भाई। हाँ भैया भैया मैंने तुमको कहा ना कि तुम्हारे लाट प्यार ने इसका सत्यानाश कर रखा है, देखो फिर काम छोड़ दे। अरे भैरव तो क्या हुआ, तुमने भी तो शादी की थी, नई शादी में तो होता है। मेरी आंखें बंद करके भी तुम मुझसे नहीं छुप सकते, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। बताओ मेरे चिच्चोर। बड़ी जादूगरनी हो तुम। ये जादू तो मैंने तुमसे ही सीखा है, लेकिन तुम खेत से इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्यों तुमने तो बुलाया। मैंने? हाँ पहले तुम्हारी याद आई, फिर तुम पड़ी दिखलाई, मुस्काई, और मैंने हल को छोड़कर इधर की दौड़ लगाई। छोड़ो छोड़ो कोई देख लेगा। देखने दो, मैं तुम्हारा पति हूँ, दुनिया के सामने मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। चलो चलो छोड़ो ना। चलो ना। राम 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 राम, बेशर्म की भी हद हो गई। अरे कलयुग है कलयुग। ओहो क्या करे हो, जीजी देख रही है। अरे देखने दो ना। अबे छोड़ो भी, जन्म भर का साथ है, ये भला कैसे छूट सकता है। हटो तुम बड़े वो सत्यवती, दिल चाहता है कि सदा मैं तुम्हारे पास रहूं, और इन आंखों में देखता रहूं। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ कर तुम्हारी आंखें बनाई हैं, जानती हो इन आंखों में क्या है? मतवालापन, भोलापन, मेरे सपनों का संसार, क्या नहीं है इन आंखों में स्वामी? यहाँ वहाँ हर जगह तुम ही तुम दिखाई देती हो। मैं? हाँ हर जगह तो बस एक ही एक रूप है। कौन सा रूप? जो तुमने उस दिन कहा था। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, बड़ी मन भावन निर्मल पावन प्रेम की ये प्रतिमा, अपनी संतोषी माँ। इस देवी की दया का हमने अद्भुत फल देखा, ओ पल न पलट दे ये भक्तों की बिगड़ी भाग्य रेखा, बड़ी बलशाली ममता वाली, बड़ी बलशाली ममता वाली ज्योति पुंजिए माँ, अपनी संतोषी माँ। भक्ति से भावे, भक्ति से भावे।
पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय देवी संतोषी, नारायण नारायण। वैकुंठपति कहाँ गए मालूम नहीं। लक्ष्मी बहन, पार्वती आओ बहन, आज तुम बहुत दिनों बाद कैलाश से आई। क्या करूं लक्ष्मी, भोलेनाथ की सेवा से समय ही नहीं मिलता। आज वे कहीं बाहर गए और मैं इधर चली आई। तुम्हारा नारायण भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वो भी सवेरे सवेरे बिना कहे कहीं चले गए। सब पुरुषों का यही हाल है। ब्रह्मा जी भी मुझसे कुछ कहे बिना चुपचाप कहीं चले गए। चलो अच्छा हुआ ब्रह्मानी, इसी बहाने हम सबको मिलने का अवसर तो मिला। नारायण नारायण। आहा हा 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 हा, त्रिवेणी संगम की तरह मुझे भी तीनों माताओं को एक साथ देखने का सौभाग्य मिल गया। आज हम लोगों की कैसे याद आ गई? नारायण नारायण, मैं तो सदा माताओं को याद करता हूँ, सदा आपकी भक्ति के गीत गाता हूँ, किंतु पृथ्वी वाले किसी और ही देवी को याद करते हैं, पूजा करते हैं। कौन है वो देवी? हमारे स्थान पर अपनी पूजा करवाने वाली ये कौन है? बोलो नारद, कौन है ये देवी? नारायण नारायण, देवी संतोषी। संतोषी देवी? हा 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 हा, कैसा मंगलकारी रूप और कितना मधुर नाम। नारद पुत्र हमारे बनते हो और गुण संतोषी के गाते हो। नारायण नारायण, देवी संतोषी के मैं तो क्या, सारा संसार गुण गा रहा है और सत्यवती तो बस। सत्यवती? कौन सत्यवती? नारायण नारायण, पतिव्रता नारी, देवी संतोषी की परम भक्त। बस देवी संतोषी से बढ़कर उसके लिए कोई देवी नहीं। क्या हम भी कुछ नहीं? नारायण नारायण। उसका इतना साहस, वो ये नहीं जानती कि हम शक्ति हैं? आप शक्ति हैं तो वो सती है, द्वार पर आए हर संत महात्मा की सेवा करने वाली। नारायण नारायण नारायण, द्वार पे आए हुए हर संत महात्मा की सेवा करने वाली संतोषी की परम भक्त सत्यवती। इतने मुसंडे हो, ठीक मानते हुए शर्म नहीं आती? चलो चलो को और ना देखो। साधु महाराज, गुड़चना गुड़चना, ये संतोषी माता का प्रसाद है, इसे स्वीकार कीजिए। लाओ बेटी। देवी संतोषी तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हें सदा सुखी रखे। जय संतोषी। जय संतोषी माँ। लक्ष्मी, अभी तक तुम्हारे वो नहीं आए। जरूर कोई बात है, आज आने दो उन्हें। जय संतोषी देवी। संतोषी की जय जयकार करने वाले ये साधु विष्णु लोक में कहां से आ गए? अरे ये साधु नहीं, मुझे तो कोई भिखारी मालूम होते हैं। निकालो इन्हें बाहर। चलो चलो भिक्षां देवी। ए निकलो यहां से। हम नहीं जाएंगे, हम यही ढूंढी रवाएंगे। क्या समझे? अरे ये तो गले ही पड़ गए, इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। निकलो यहां से। प्रभु, आप लोग साधु बनकर कहाँ गए थे? सत्यवती के द्वार पर, अलग जगह नहीं। आप जगत के पालक होकर एक साधारण नारी के द्वार पर भिक्षा मांगने गए? लक्ष्मी, वो कोई साधारण नारी नहीं है,
महान नारी है, देवी संतोषी की महाभक्त है। गौरी ये लो देवी संतोषी का प्रसाद। गुड़ चना ये भी कोई प्रसाद है? हम नहीं खाते गुड़ और चना। नारायण नारायण जो खाए गुड़ और चना आ हा हा वो रहे सदा बना। नारद तुम फिर आ गए। नारायण नारायण यही कहने आया माता कि जब तीनों महान देवता देवी संतोषी का प्रभाव मान गए तो आप भी मान लीजिए। हम नहीं मानेंगी। नारद चाहे तुम कितना ही समझाओ ये नहीं मानेंगी नहीं मानेंगी। नहीं मानेंगी नहीं मानेंगी। हम कहा संतोषी कहा हम उसका प्रभाव नहीं बढ़ने देंगे। हम उसके भक्ति करने वालों को देख लेंगे। स्वामी ये भोजन मत कीजिए। क्यों इसमें बुराई क्या है? चुप क्यों हो? तुम तो ऐसे माना कर रही थी जैसे इसमें जहर मिला हो। जहर मिला होता तो तुमसे पहले मैं इसे खा लेती। तो बताती क्यों नहीं इसमें बुराई क्या है? एक बुराई हो तो कहो। इस भोजन में तिरस्कार द्वेष घृणा सब कुछ मिला हुआ है। सत्या पहले छोड़कर साफ साफ बताओ क्या बात है? स्वामी स्वामी ये भोजन झूठा है। झूठा है? हाँ झूठा है। ये रोटी एक भाई के थाली से बची दूसरे दूसरे भाई के थाली से गाड़ी तीसरे ने छोड़ी और दाल चौथे और ये लड्डू छह भाइयों के बचे कुचे चूल्हे से बनाया हुआ। नहीं नहीं ये सब झूठ है। मेरी माँ भाभी मुझे झूठा नहीं खिला सकती। सत्यवती तुम नहीं जानती हो मुझे कितना प्यार करती है। तुम ये सब झूठ बोल रही हो। नहीं स्वामी मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से? ठीक है मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। है तो संतोषी की पूजा छोड़कर हमारी पूजा कर। संतोषी को सदा के लिए भूल जा। क्षमा करना माता आप मेरे लिए पूज्य हैं किंतु मैं संतोषी माता को कभी नहीं भूल सकती। उनकी पूजा कभी नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती तो इसका परिणाम भयानक होगा। पुत्रा ही ताही कर उठेगी। तेरे जीवन में सदा के लिए अंधकार छा जाएगा। खाना खाना तो क्या अब मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। मगर ऐसा भी क्या हुआ बेटा जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ मैं इस घर का आदमी नहीं एक भिखारी हूँ। एक कुत्ते से भी गई बीती मेरी जिंदगी है बेटा। हाँ माँ तभी तो मुझे खाने में सबकी झूठन दी जाती है। और एक झूठन देने वाली मेरी भाभी है जिसे मैं अपनी माँ के समान समझता था। अब तक मैंने अपने कानों से सुना था लेकिन आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तुम मेरी भाभी नहीं दुश्मन है। दुश्मन नारी के नाम से कलंक हो। नहीं क्या हुआ भाभी? क्या बात है भाभी? हुआ क्या? बात क्या होती? एक तो निखट्टू ऊपर से नखरे खाने को कहता है कि झूठन दी जाती है। तो जैसे रकम में तो झूठन नहीं तो और क्या दिया जाए? निकम्मा होने से सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। क्या भाई से भाई का प्रेम खत्म हो जाता है? क्या इस घर में मैं जन्म नहीं लिया? बोलो बोलो इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं? तुम सब कहने को भाई और भाभी बनते हो पर मन में जहर रखते हो। यही है तुम्हारा खून का संबंध।
पढ़ा आया संबंध पढ़ाने वाला। दुनिया में कोई संबंध नहीं, संबंध है तो धन और दौलत। सुन लिया, इसीलिए मैं तुझे बार बार कह रही थी बिरजू कुछ काम कर, कुछ काम कर। अगर तू मेरा बेटा है तो ये कुछ करके दिखा दे। घबराओ नहीं माँ, अब मैं ये दौलत कमा कर ही दिखाऊंगा। अरे जा जा, बड़ा आया कमाने वाला, दौलत कमाना कुछ इतना आसान काम नहीं। तेरा गाने बजाने वाला तू कभी कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं कर सकता। तू निकम्मा है, बिल्कुल निकम्मा है। तू बंसी बजा जाके बंसी। मुझ पर हंसने वालों, तुमने मेरी आत्मा को चुनौती दी है, मेरे स्वाभिमान को तुमने ललकारा है। याद रखो, तुम्हें किसी का एक से नहीं रहता, जो तुम्हारा है वो कल मेरा होगा। मैं अपने मेहनत से अपने भाग को बदल कर रहूंगा, तभी इस घर में पाँव रखूंगा। सत्यवती, सत्यवती, मैं तुमसे दूर, बहुत दूर जा रहा हूँ। देश प्रदेश में जो भी काम मिलेगा मैं करूंगा। स्वामी, तुम अकेले, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं सत्यवती, इन सब ने मेरे पुरुषार्थ को कलंक लगाया। मैं आने वाली कठिनाइयों से लड़ूंगा, भाग के तूफानों से टकरा जाऊंगा, और एक दिन मैं सफल होकर तुम्हारे पास आऊंगा। तू मेरी प्रतीक्षा करना सत्यवती। स्वामी, सत्यवती मुझे रुको मत, मुझे जाने दो। तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझे जाने दो। मुझे सौगंध के बंधन में मान कर स्वामी चले गए। कोई हंसता है, कोई रोता है। बिचारी सत्यवती का पति बिरजू घर छोड़कर चला गया। अब तो आपकी आत्मा को शांति मिली? नारद, अभी तो बिरजू घर छोड़कर ही गया है, इसके बाद उसकी क्या दशा होती है देख लेना तुम। तुम सब ने मिलकर इस घर की बगिया के सबसे सुंदर फूल को तोड़ कर फेंक दिया। क्या चला? मेरे तो प्राण निकल गए। दादी दादी, आए बेटा। ये हमारा घर पूछ रही थी। हाँ, तो आप ही बिरजू की माँ है? हाँ हाँ, मैं ही उसकी माँ हूँ। क्या तुम्हें हमारा बिरजू मिला था? चारा मिला भी और बिछड़ भी गया। बिछड़ भी गया? हाँ माँ जी, वो प्रदेश जा रहा था, हम सब उसी नाव से यात्रा पर जा रही थी। इतने में जोर से आंधी आई और नदी में भयानक लहरें उठने लगी। हाँ, फिर एक झटका लगा और नाव नदी में। नदी में? हाँ हाँ, नदी में। हम तो किसी तरह बच गई, और हमारा बिरजू वो सदा के लिए तुम्हारी गोद सुनी करके तो चला गया। कार की गति को कौन डाल सकता है? अरे भाई, मैं छोड़ू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मेरे को छोड़ जाता तो उसके पहले मेरे प्राण निकल जाते। मेरी मां का सिंदूर सदा जगमगाता रहेगा। मुझे मां संतोषी पर पूरा विश्वास है। बहू, जो तुम्हारा विश्वास है वही मेरा। माँ तुम चिंता न करो, मैं बिरजू का पता लगाकर ही आऊंगा। तुम
सेठ जी, अरे ये तो बेहोश हो गए। आप अचानक बेहोश हो गए थे, किंतु माँ की कृपा से आप बच हो गए। जय संतोषी माता, जय माँ। तुम बहुत अच्छे हो बेटे। ये आपके जेवर? हाँ हाँ, लीजिए मेरे जेवर। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अरे, चले कहाँ? बैठो बेटे, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मनुष्यता से बहुत खुश हुआ। ये लो अपना इनाम। मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। तुम्हें काम चाहिए? हाँ, तो चलो मेरे साथ आओ। आओ पिताजी। बेटी। पिताजी। इनका नाम बिरजू है, इनकी वजह से आज हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए बेटी। भगवान ने जैसे इन्हें सूरत दी है वैसी सीरत दी। खड़े क्यों हो? बैठो बेटे, बैठो। बेटी, इन्हें काम की जरूरत थी और हमें एक ईमानदार आदमी की। आज से अब यही रहकर हमारा सब कारोबार संभालेंगे, यही ना? देखा बेटे बिरजू, हमारी गीता कितनी समझदार है, हम जो कहना चाहते हैं ये पहले ही कह देती है जी। अरे बेटी, अब इन्हें अंदर ले जाओ, कुछ खिलाओगी पिलाओगी कि नहीं? जी। अच्छा पिताजी आइए। जाओ बेटे जाओ। शांत हो जाओ, ये सब विधाता की इच्छा है। आपकी गोद सुनी हो गई और मेरी बेटी की मांग। लेकिन आपकी बेटी ऐसा कहाँ मानती है, वो तो मांग से जाए घूमती है, हरदम वही बना वही सिंगार। क्या कह रही हो तुम? तो इसमें उसमें चाबी का क्या दोष है?
जो कभी हो गए पागल सी हो गई है बेचारी, न कुछ खाती है न कुछ पीती है। यही सोचकर तो मैं उससे लेने आया हूँ। कुछ दिन सोनपुर रह लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हल्का नहीं, भारी हो जाएगा। आपके साथ जाके एकदम अकेले हो जाएगी। यहाँ तो फिर भी हम सब हैं, यहाँ उसका जितना ख्याल रखते हैं वहाँ कौन रखेगा। तुम ठीक कहती हो बेटे, फिर भी एक बार उससे पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ मिल लो। बेटी बेटी, क्या क्या आशाएं लेकर तेरा विवाह किया था, लेकिन सब आशाएं मिट्टी में मिल गई। पिताजी, आशाओं का बनना या मिटना सिर्फ भाग्य की बात है। हाँ बेटी, भाग्य की बात न होती तो ऐसा कभी ना होता। और सत्या, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? चल तैयार हो जा, मैं तो ये लेने आया। नहीं पिताजी, मैं सोनपुर नहीं चलूंगी। क्यों? वो कह गई है मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बेटी, ऐसी झूठी आशाएं कब तक बांधे रहेगी? पिताजी, क्या आप भी ऐसा समझते हैं जैसे कि दूसरे लोग? किसी को हो या न हो, पर मुझे पूरा विश्वास है वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। अच्छी बात है बेटा, माँ संतोषी तेरी इच्छा पूरी करे। इनके सारे माल का पिछले भाव से हिसाब कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। ओ नटवर लाल जी। जयराम जी की, जयराम जी की सेठी। जयराम जी की, जयराम जी की। क्या इसकी परख? हम परख कर ही अनमोल रत्न लाए थे नटवर लाल जी। अरे ओ निकम्मी, तू यहाँ राधिका बनी बैठी अपने कन्हैया को याद कर रही है? काम कौन करेगा? मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो, आज राधिके सुन ले बात हमारी, तू सुन ले बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। मत रो मत रो मत रो, की नारी की आंखें सब आंखों से न्यारी, सब आंखों से न्यारी, उसके हर आंसू में झलकती प्यार की एक फुलवारी, प्यार की एक फुलवारी। आशा की जोर से बांध ले बेटी लाचारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। मत रो मत रो मत रो, अपने मन में दिया जला के कर ले उजाला गोरी, कर ले उजाला गोरी, दिल के ऊपर पत्थर रख ले, रोना है कमजोरी, रोना है कमजोरी।
घबरा जाए, वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। मत रो मत रो मत रो, किसका चला है जोर भाग्य पर, रख तू हरी पे भरोसा, रख तू हरी पे भरोसा। हर जीवन थाली में प्रभु ने, दुख भी यहाँ है परोसा, दुख भी यहाँ है परोसा। पता नहीं किस भेष में दाता, कर दे मदद तुम्हारी, जो दुख से घबरा जाए, वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। मत रो मत रो मत रो मत रो मत रो आज राधिके। ये क्या, जब देखो तब काम ही काम। गीता, काम ही मेरी जिंदगी है, काम के लिए ही मैं घर से इतनी दूर आया हूँ। लेकिन अपने शरीर का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। चलो आराम करो, चलो। मुही सुहाग तो खा गई, लेकिन ये मांग भरने की आदत नहीं गई। जाएगी कैसे, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। मैं पूछती हूँ, ये रोज रोज मांग में सिंदूर किसके लिए भरा जाता है? बोलो। जिन्होंने मेरी मांग भरी थी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहती हूँ, मेरे देवता अवश्य आएंगे। अपने आप रावण लीला कर रही है और लोग समझेंगे कि रामलीला हो रही है। ऐसी जवानी चढ़ी है तो जा, जाकर कोठे पर आ जा। भगवान के लिए और कुछ न कहूंगी, हजार बार कहूंगी, जरूर कहूंगी। तू क्विटा कुलक्षणी है, मिटा रही है बिंदी। नहीं मिटाएगी, तुझ में अगर जरा भी शर्म आया है तो डूब के मर जा, मर जा, डूब के मर जा। हाँ हाँ, डूब कर मर जा। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ कर रही हो बेटी? कौन, देवर्षि? नहीं नहीं, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने। नहीं बेटी नहीं, अपने विश्वास को हिमालय बनाओ, रेत की दीवार नहीं। किंतु मुनिवर, रात दिन के ये ताने और लांछन मुझसे नहीं सहे जाते। नारायण नारायण, बेटी सुख का अमृत तो सभी पीते हैं, किंतु सत्य और धर्म पर चलकर जो दुख का विष पीते हैं वे बिरले ही होते हैं। मुनिवर। हाँ बेटी, निराशा छोड़कर श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी संतोषी के 16 शुक्रवार का व्रत आरंभ करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। धन्य हो मुनिवर, मैं माता के 16 शुक्रवार का व्रत अवश्य करूंगी। नारायण नारायण। बेचो। गीता, पिताजी कह रहे थे तुम घर जा रहे हो। हाँ। क्यों? घर छोड़े बहुत दिन हो गए, सोचा एक बार मिलाऊं। किसी की याद सता रही है क्या? याद? तो मन के तारों में कितना होगा? मन की तारों की आवाज कौन सुन सकता?
जो मन के पास होता है। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं नहीं गीता, ये सब ठीक है। नहीं नहीं गीता, बेचू छोड़ दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता गीता। बिच्छू, बिच्छू। कौन? बाकी, मैं कब से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तड़प रहा हूँ। बाकी, बाकी मुझे छोड़ दे, मैं इस पर कभी नहीं। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ू? कभी नहीं छोड़ूंगा। बाकी, छोड़ दे, छोड़ दे। मां संतोषी, मेरी रक्षा। जोगन, तेरी आवाज सुनकर यहाँ चली आई। और वो पापी, उस पापी को पाप का फल मिल गया। उठो, घर जा, जा।
छोड़कर सत्यवती की चिंता करो। क्यों? वह 16 शुक्रवार का व्रत पूरा कर रही है। इस व्रत से क्या होता है? नारायण नारायण, इस व्रत से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और फिर सत्यवती के 15 शुक्रवार तो पूरे हो चुके, कल 16वां है। 16वां? नारायण नारायण, इधर उसका व्रत पूरा हुआ, उधर बिरजू पर की हुई आपकी माया समाप्त, और फिर पति पत्नी का मिलन। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता नारद। उसका ये व्रत हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। चलो। नारायण नारायण, तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। नारायण नारायण। चीची, क्या है? चीची, आज 16वां शुक्रवार है। संतोषी माता के प्रसाद के लिए गुड़ चना लाना है, कुछ पैसे दे दो। हाँ, यहाँ कोई खजाना गड़ा है जो पैसे दे दो। चीची, कह दिया ना जीजी ने, तुझे देने के लिए फूटे कपड़े भी नहीं है हमारे पास। अब मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ माँ, अब मैं क्या करूँ? बेटी, तू क्यों रो रही है? माँ, आज 16वां शुक्रवार है, किंतु मैं ऐसे अभागन हूँ। माँ संतोषी की पूजा के लिए मेरे पास गुड़ चना कुछ भी नहीं। लगता है मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। Thank you.
ना हो बेटी, तेरा व्रत भंग नहीं होगा। ले ले माँ, ले ले जा 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 माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पति की वापसी के लिए आपकी सच्ची सेवा की हो तो भयानक अग्नि शांत कर दीजिए। दया करो माँ, दया करो। स्वामी कह गए थे मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी सूद नहीं ली। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए? माँ माँ उन्हें मेरी याद दिला दे, उन्हें मेरी याद दिला दे माँ, उन्हें मेरी याद दिला दे। सत्यवती, सत्यवती, क्या हुआ बेटा? कौन सत्यवती? मेरी पत्नी, जिसे मैं कह के रहा था मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन लेकिन मैं सब कुछ भूल गया, न जाने मुझे क्या हो गया। बेटा बिरजू, बेटा बिरजू, ये महाशक्ति लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी की माया थी। माया? बेटा बिरजू, सत्यवती रात दिन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ शीघ्र अपने घर जाओ। मां संतोषी, मां संतोषी, मां संतोषी, मेरे लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो मां, मुझे क्षमा कर दो। सिरजी, सिरजी, गीता, देखिए देखिए यह माँ संतोषी आई थी। धन्य हो बेटा, तुम्हारे कारण आज माँ संतोषी के चरण यहाँ पड़े, ये घर मंदिर बन गया, हम सब पावन हो गए। सर जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। अवश्य जाओ बेटा, अवश्य जाओ, मैं तुम्हारे जाने का प्रबंध किए देता हूँ, प्रबंध किए देता हूं। ले आई बेटी? वो ले आओ। अच्छा सर जी, आ गए बेटे, ये रहा तुम्हारा सामान। ये सब क्या? इतना सामान किस लिए? ये तुम्हारे लिए है बेटे। नहीं 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 सर जी, नहीं, ये हम तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहे बेटे, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। हाँ बिरजू भैया, ये सब आपकी मेहनत का फल है। ठीक है, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अरे मोहन, गोपाल, रामू, ये सामान उठा, सब रखो बेटे में जल्दी। गीता,
मैं जा रहा हूं। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करना। अच्छा बिरजू चाचा आ गए, बिरजू चाचा आ गए। मामा बिरजू चाचा आ गए, साथ में कोई नौकर? चुप, हमें उल्लू बनाता है। तुम्हारे बिरजू चाचा तो मुद्दत हुई नदी में डूबते मर चुके। जिस पर माँ संतोषी की कृपा हो डूबता नहीं पार हो जाता है। बिरजू? हाँ मैं वही बिरजू हूँ जिसे तुम निकम्मा निखट्टू और कर्महीन कहते थे, वही बिरजू। क्यों पहचान नहीं सकते? नो, हम तुम्हें नहीं पहचानते। आखिर किसने कहा कि तुम निकम्मे हो? दैयारे दैया, कितना सामान। देवर जी तुम तो हजारों में एक हो, क्यों देवरानी? लाखों में कहो, लाखों में। हम तो पहले से ही जानती थी हमारा देवर जरूर कुछ करके रहेगा। क्यों? बिल्कुल। लो देवर जी मिठाई खा लो। हाँ, मिठाई खा लो। मिठाई? क्यों भाभी आज मुझे जूठन नहीं खिलाओगी? जूठन खाए तुम्हारे दुश्मन। लो भैया खा लो। बस बस रहने दो अपना दिखावा, ये सब नाटक बहुत पुराना हो चुका है। जो हुआ उसे भूल जाओ, आखिर तुम हमारे भाई हो, आओ गले लग जाओ। भाई? तुम मुझे भाई कहते हो? तुम्हारे लिए तो माँ बाप भाई बहन सब कुछ दौलत है, यही तुम्हारा भगवान है, यही तुम्हारा धर्म है। धन के पुजारी, ये लो ये लो ये लो दौलत, लो धन लो, ये लो दौलत, ये लो धन, उठाओ ये लो। तुम भी उठाओ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, उठा लो। अब हंसो, मुझ पर हंसो। अब नहीं हंस सकते क्योंकि सोने के सिक्कों ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। उस दिन समय तुम्हारा था और आज मेरे बेटे का है, मेरे बिरजू का है। माँ जीते रहो बेटा। माँ धन्य हो भगवान, तुमने मेरे बिछड़े हुए लाल को फिर से मिला दिया। बेटा जो तुमने कहा था उसे पूरा कर दिखाया। माँ माँ बड़े भैया कहाँ गए? बेटा तेरे डूबने की खबर सुनकर वो तुझे ढूंढने गया था मगर अभी तक नहीं लौटा। भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। सत्यवती सत्यवती स्वामी स्वामी तुम आगे सत्यवती आगे खोलो, आगे खोलो सत्यवती, तुम्हारी ये हालत। समझ गए तुम्हें इस हालात पे पहुंचाने वाले ये सब अत्याचारी हैं। क्यों पहचानती उस तस्वीर को? इसका मुरझा हुआ चेहरा, फटे हुए कपड़े, इसके शरीर में पड़े हुए दाग, इसकी आंख का हर एक आंसू तुम्हारे अत्याचार की कहानी कह रहा है। अरे बदला लेना था तुम मुझसे लेते, इस गरीब ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जी चाहता है जो हाथ इस पर उठे थे उन्हें तोड़ डालूं, तुम सबको मिटा दूं। नहीं नहीं स्वामी, संतोष माता के चरणों पर चलने वाले किसी को मिटाते नहीं, खुद मिट जाते हैं। माता की दया से तुम आ गए, बस मुझे सब कुछ मिल गया। अभी कुछ नहीं, अब माता का उद्यापन करेंगे। अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे सत्यवती, पर इस घर में नहीं, नए घर में। नए घर में? हाँ सत्यवती, नए घर में, नए खुशी के साथ, नई उमंग, नए उत्साह के साथ। चलो सत्यवती। बिरजू 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 मेरा भाई, बिरजू बिरजू कहाँ गया तू? बिरजू आप कौन से बिरजू को ढूंढ रहे हैं बाबा? हाँ
बिरजू, बिरजू मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। छोटा भाई? कहीं वो मीरपुर के रहने वाले बिरजू तो नहीं? हाँ वही, वही मीरपुर का रहने वाला बिरजू, मेरा छोटा भाई। तुमने देखा उसको? हाँ, वो हमारे यहीं रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने गांव चले गए। तुम्हारी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया। अब बटा हुआ परिवार एक हो जाए, यही तुमसे विनती है। जय संतोषी माँ। हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। हम इसी शुक्रवार को आपका उद्यापन करेंगे माँ। माँ के सामने आपसे विनती करती हूँ, उसे अस्वीकार ना करना। बोलो। अब क्रोध त्याग कर अपने भाई भाभियों से मेल कर लीजिए। नारायण नारायण नारायण, जो दाव चला वही खाली, हाथ पर हाथ चिंता पर चिंता, नारायण नारायण। अब क्या कहने आए हो नारद? माताओं, दो शुभ समाचार देने आया हूँ। शुभ समाचार? मैं नारायण। जल्दी कहो नारद। सत्यवती और बिरजू का मिलन हो गया। हा? क्या यही शुभ समाचार है नारद? क्या वो दोनों मिल गए? नारायण नारायण, मिल गए, आनंद के फूल खिल गए और जलने वाले जल गए। नारद। नारायण नारायण, दूसरा शुभ समाचार भी सुनाऊं? सुनाइए। पति से मिलने के आनंद में सत्यवती देवी संतोषी का उद्यापन कर रही है। उद्यापन? नारायण नारायण। माताओं, अब भी समय है, आपकी हार विजय में बदल सकती है। वो कैसे? दीवारों के भी कान होते हैं। बस इसके बाद या तो इस पार या फिर उस पार। उतारू रे संतोषी माता की, मैं तो आ
नारायण नारायण। मेरे स्वामी मूर्छित हो गए, विष्णु लोक कैलाश और ब्रह्म लोक सब बोल रहे हैं, मुनि और ये सब क्या हो रहा है? नारायण नारायण, देवी संतोषी का को। देवी संतोषी का को? हाँ, उन्हीं की शरण में चलो, तभी कल्याण होगा। चलिए जी। नारायण नारायण। इसका मतलब है खाने में जरूर जाए। ये तो माता की दुश्मनी तो हमसे थी, इन मासूम बच्चों का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा तो कुलकर्णी तेरा इन्होंने। भाभी भाभी सच में कुछ नहीं किया, ये निर्दोष है भाभी। फिर जो ये सब तुमने किया है, आज तुम्हारे पाप का बड़ा फूट तरी रहेगा। अरे गाँव वालों, चौधरी ओ पंडित जी, अरे तुम खड़े खड़े मुँह क्या देगा? जाओ कोई गाँव के चौधरी को बुलाएगा, हम इस बात करेंगे खा कर। भैया दया, बेटा दया। बिरजू बेटा दया। माँ ये सब क्या हो रहा है? इनसे क्या पूछ, तो मुझसे पूछो। ये सब इसकी काली का दूध का परिणाम है। माता के उद्यापन के बहाने इसने हम सबको यहाँ बुलाया और खाने में जहर मिलाकर बच्चों को मार डाला। देखो अपनी आंखों से। नहीं, सत्यवती ऐसा नहीं कर सकती। ये पाप की नहीं, सत्य और धर्म की प्रतिमा है। ये नारी नहीं देवी है। ये देवी नहीं राक्षसी है। भैया भैया तुम आज तक इसकी हिमायत करते आए, लेकिन आज भरे समाज के सामने इसके पाप पर पर्दा नहीं डाल सकते। इसने पाप किया, यह पागल है। भैया इसकी भक्ति एक पाखंड है, ढोंग है। नहीं नहीं, यह हत्यारा है, यह खूनी है। Thank you.
दीजिए कि आपकी तरह इनका नाम भी अजर अमर रहे। नारायण नारायण।